अंदर चल के आराम कर लीजिए ना, ऐसे तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। साजिद क्या हुआ आपको? सब कुछ करने के बाद पूछ रहे हो क्या हुआ? याद रखना रमशा, अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चल तो मैं दूंगा तुम्हें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम हम दोनों के जनाजे रुखसत करके ही दब लोगी। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेलगाम के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि रमशा नबील से शादी करने के लिए राजी होती है, लेकिन ऐन निकाह के वक्त नबील कदों से रमशा के बीते हुए कल के बारे में बता देता है। साजिद और महनाज की बेटी की खुशियों को इसका बीता हुआ कल ले डूबता है जब नबील की माँ शादी से इनकार कर देती है कि ये शादी नहीं हो सकती। ये सुन के रमशा नबील की माँ से इल्तिजा करती है कि मुझे अपना लें, शादी ख़त्म ना करें। यहाँ तक कि वो इनके पैरों में गिड़गिड़ा के इन्हें रोकने की कोशिश करती है मगर इन पर कोई असर नहीं होता। ये देख के साजिद की हालत गैर होती है और तभी हसनान की एंट्री होती है। क्या साजिद की इज्जत की खातिर रमशा शानी से शादी के लिए मजबूर होगी या हसनान इसे शादी करेगा? रमशा की तकदीर इसे किस तरफ ले जाने वाली है, शानी की तरफ या हसनान की तरफ? देखने और जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।